हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 3 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं। और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हर साल 2 सितंबर को दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य नारियल की कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसकी थीम क्या रही है 2020 की? तो थीम रही है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अब साइंटिफिक नेम क्या होता है कोकोनट का? वो होता है कोकोआ न्यूसीफेरा। ये इसे मनाता कौन है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ये तो रहा अपना वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जून को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पबजी के साथ 118 एप्स किस देश में बैन हुए हैं? तो पबजी के साथ 118 ऐप अपने देश भारत में बैन हुए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। देश भर में पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर बैन लगा दिया गया है। और सरकार ने पबजी के अलावा 118 मोबाइल ऐप को सरकार ने बैन किया है। अच्छा, ये बैन करने का कारण क्या बताया है? तो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा बताया है, इसीलिए इन ऐप्स को बैन किया गया है। और भारत में पबजी के जो एक्टिव यूजर्स थे वो थे 3.3 करोड़, और डाउनलोड कितने लोगों ने कर रखा था? तो 5 करोड़ लोगों ने कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो भारत की पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है वीर लक्ष्मी जी। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया है। और तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ की लागत 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है? तो हाल ही में जापान देश ने भारत को आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जापान देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। और जापान सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने एवं नई चिकित्सा के लिए नई नई चीज़ों को लाने के लिए ये ऋण प्रदान किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त पद पर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अब ये किसकी जगह लेंगे और ये हैं क्या, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने अपने 36 वर्षों के बीच सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, मानव संसाधन एवं वित्त बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने उन्हें वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था और वर्तमान में वह सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो भारत के गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनवाया जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कितनी जमीन दी गई है? 30 एकड़ जमीन, जिसमें करीबन 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। और
अभी अपने देश भारत के गुजरात राज्य में ये बन रहा है, लेकिन इससे पहले किस राज्य किस देश में बन चुका है? तो वर्तमान में अमेरिका राज्य के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय है, जिसमें 1,000,000 खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। और अपने देश भारत के गुजरात राज्य में जो बनाया जा रहा है उसमें 1,100,000 से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अवीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? तो विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडबूट मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? तो मेडबूट मेडिकल ट्रॉली भारतीय रेलवे ने शुरू की है, लॉन्च की है। अब ये किस काम आएगी तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने COVID-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने के उद्देश्य से मेडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे डीजल रेल इंजन कारखाना के केंद्रीय अस्पताल में इस ट्रॉली का उपयोग कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन सार्स बॉम्ब का डीक्लासिफाइड वीडियो जारी किया है? तो हाल ही में रूस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन सार्स बॉम्ब का क्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोहाटॉम ने 40 मिनट से अधिक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम सार्स बॉम्ब का क्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। और यह है एक बार वर्गीकृत डॉक्यूमेंट्री फुटेज जिसका शीर्षक क्या है, टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ एन क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए उपज ऑफ 50 मेगावाट है। इसकी जो शीर्षक रहा है इतना बड़ा रहा है। इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरपाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन नामांकन किस तारीख तक खुले रहेंगे? तो पद्मश्री पुरस्कार 2021 तक के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 सितंबर तक खुले रहेंगे। अब मैं आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में CRPF पहली IG कौन बनी है? CRPF की पहली IG कौन बनी है? तो रमेश भट्ट बने हैं, राकेश सिन्हा, मनोहर लाल, चारू सिन्हा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।